गर्भवती महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि गर्भस्थ शिशु अपनी सही पोजीशन में यानी हेड डाउन यानी सिर के बल कौन से महीने में या कौन से सप्ताह में आ जाता है। प्रेगनेंसी से जुड़ी सभी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें वुमनिया यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा डेगवेकर है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 30 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। गर्भवती महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि गर्भस्थ शिशु अपनी सही पोजीशन में यानी हेड डाउन यानी सिर के बल कौन से महीने में या कौन से सप्ताह में आ जाता है। 90% से ज़्यादा गर्भस्थ शिशु जो है वो 37 वीक्स में अपनी फाइनल स्थिति में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर के बल पेल्विस में वो आ जाता है, पैर ऊपर की तरफ और सिर नीचे की तरफ। इसको कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ये स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि जो बच्चे का सिर है वो बहुत हेवी है और ग्रेविटी के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जो सबसे हेवी चीज़ है वो सबसे नीचे आ जाएगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जान लेना। तो वो कौन से ऐसे कारण हैं कि जिसमें 37 वीक्स में बच्चा सिर के बल नहीं आता है, आइए आज उनके बारे में बात करते हैं। ऐसी कई कंडीशंस हैं जिनमें हेड नीचे नहीं आता है या फिक्स नहीं होता है। सबसे पहले और आम स्थिति है ट्विन्स। अगर दो बच्चे हैं तो दोनों के सिर को एक साथ अंदर जाने की जगह नहीं है। हो सकता है उनमें से एक सिर के बल हो, एक पैर के बल हो, हो सकता है एक आड़ा और एक सिर के बल हो। इस तरह के कई कॉम्बिनेशंस में ट्विन्स हो सकते हैं। तो ये हुआ एक कारण। दूसरा कारण ये है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड यानी बच्चे के आसपास का पानी अधिक मात्रा में है, जिसको कहते हैं पॉलीहाइड्रामनियोस, तो बच्चा 9वें महीने तक घूमता रहेगा और ऐसे में वो एक पर्टिकुलर स्थिति में यानी सिर के बल आके फिक्स नहीं होगा। तीसरा कारण है मल्टीपल डिलीवरीज, यानी जिसको हम लोग कहते थे ग्रैंड मल्टीपैरा या मल्टीग्राविडा। इसमें अगर गर्भवती महिला का ये चौथा या पांचवा बच्चा है तो उसके पेट के जो मसल्स हैं, जो स्नायु हैं, वो इतने ढीले पड़ गए हैं कि उसमें कसाव बिल्कुल नहीं है। गर्भस्थ शिशु का सिर नीचे जाने का एक कारण ये भी रहता है कि गर्भवती महिला का जो कसाव है, जो पेट की मसल्स का कसाव है, वो उसे नीचे जाने में फोर्स करता है। अगर महिला का ये चौथा पाँचवा बच्चा है और उसकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल ढीली पड़ गई हैं, ऐसे में बच्चे पे कोई दबाव नहीं बनता कि उसका सिर नीचे की तरफ जाए और वो आखिरी दिन तक फ्लोटिंग रहता है या घूमता रहता है। तो ये हमने 3 या 4 कारण जाने जिसके कारण से 9वें महीने में बच्चा अपने सिर के बल की स्थिति में नहीं आ पाता है। इसके अलावा कुछ एक लोगों की जो गर्भाशय है उसकी बनावट ऐसी रहती है कि बच्चे का सिर नीचे सेटल नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों का ज़्यादातर प्रेजेंटेशन ब्रीच रहता है, इसका मतलब पैर नीचे और सिर ऊपर। 7वें महीने के बाद आपके डॉक्टर इस बात की आपको जानकारी देंगे कि बच्चा किस पोजीशन में है। आजकल अक्सर सोनोग्राफी में ही इस बात का जानकारी हो जाती है कि बच्चा किस स्थिति में है, और जिस हिसाब से बच्चे का सिर फिक्स होता है उसके हिसाब से आपके प्रसव की जो मेथड है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अगर सिर फिक्स हो गया है और बाकी सारी स्थितियां नॉर्मल है तो हो सकता है कि आप नॉर्मल प्रसव की तरफ बढ़ रही हैं। अगर बच्चा आड़ा, उल्टा या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, ऐसे में आपके सिजेरियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज हमने ये जाना कि बच्चा कौन सी कंडीशन में 37 वीक्स में बच्चा सिर के बल आ जाता है और वो कौन सी स्थितियां हैं जब ये बात नहीं हो पाती। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें अन्य महिलाओं के साथ। गर्भावस्था संबंधी सारी जानकारी के लिए और डॉक्टर एडवाइस के लिए डाउनलोड करें वुमनिया ऐप। इसका लिंक आपको वुमनिया चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।